माँ दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है, मगर दुनिया में सौतेली माँ का शब्द भी है जिसे लेकर लोगों को जहन में नफरत सी भरी है। वहीं बॉलीवुड से जुड़े सेलिब्रिटीज अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। स्लैब्स की डेटिंग लाइफ पर फैंस की खास नजर होती है और इसी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि इस इंडस्ट्री में स्लैब्स का एक से ज्यादा बार प्यार में पड़ना या फिर किसी तलाकशुदा व्यक्ति से शादी करना आम बात है। बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादीशुदा व्यक्ति को दिल दिया और फिर उन्हीं से शादी भी रचाई, जिन्होंने शादीशुदा शख्स के साथ सात फेरे लिए। साथ ही अभिनेत्रियों ने सौतेली माँ बनना मंजूर किया। हेमा मालिनी, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने साल 1980 में धर्मेंद्र से शादी रचाई थी। उस समय धर्मेंद्र पहले से प्रकाश कौर के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे और वह चार बच्चों के पिता भी थे, लेकिन इसके बावजूद हेमा ने धर्मेंद्र से शादी करके चार बच्चों की सौतेली माँ बनना मंजूर किया। हैरानी की बात ये है कि धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच महज 9 साल का अंतर है। हेमा सनी से सिर्फ 9 साल बड़ी है। हालांकि धर्मेंद्र के चारों बच्चों ने हेमा मालिनी को कभी माँ का दर्जा नहीं दिया। करीना कपूर, सैफ अली खान ने पहले अमृता सिंह से शादी की थी जिनसे उनके 2 बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हैं। अमृता से तलाक लेने के बाद सैफ ने करीना कपूर से शादी की। सारा और इब्राहिम अपनी स्टेप मदर करीना कपूर से काफी मजबूत रिश्ता शेयर करते हैं। दोनों को अक्सर करीना के बेटों तैमूर और जैद के साथ मस्ती करते भी देखा जाता है। दिया मिर्जा, दिया मिर्जा ने 15 फरवरी 2021 में बिजनेसमैन वैभव रेखी संग शादी रचाई है, जिसके बाद उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। वैभव और दिया दोनों की ये दूसरी शादी है। शादी के बाद दिया वैभव की बेटी समायरा की सौतेली माँ बनी। हालांकि दिया और समायरा खूबसूरत बॉन्डिंग शेयर करते हैं। दिया ने वैभव से शादी करने के बाद बेटे को जन्म दिया। समायरा अपने सौतेले भाई से भी बेहद प्यार करती है। श्रीदेवी, बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी ने 2 बच्चों के पिता बॉनी कपूर से शादी रचाई थी। जब श्रीदेवी ने बॉनी कपूर का हाथ थामा था तब उन्हें होम ब्रेकर और स्टेप मॉम जैसे टैग दिए गए थे, क्योंकि बॉनी ने अपनी पहली पत्नी मोना कपूर को तलाक देकर श्रीदेवी संग 7 फेरे लिए थे। हालांकि बॉनी कपूर के बच्चों अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर ने कभी भी श्रीदेवी को अपनी दूसरी माँ के रूप में नहीं अपनाया था, लेकिन श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन अपनी दोनों छोटी बहनों जानवी और खुशी को संभाल रहे हैं। सिंगर और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर की वाइफ शबाना आजमी फरहान और जोया अख्तर की सौतेली माँ है, लेकिन तीनों आपस में एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं।